हेलो दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग की अतरंगी दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश भर में शादियों का माहौल हो या फिर किसी खुशी का अवसर हो, इन खुशियों को दोगुना करने में बीयर का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। दोस्तों, क्या आपको पता है बीयर पिछले 6000 सालों से इंसानों की सभ्यता का हिस्सा रही है। वो इस समय क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम के समय से भी पुरानी है। ये आज भी इतनी ही पॉपुलर है जितने की पहले थी। समय समय पर इसे बनाने के कई तरीकों में बदलाव किए गए, लेकिन आज भी इसके मेन इंग्रेडिएंट्स अनाज, ईस्ट और पानी ही है। दुनिया की सभी बीयर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके ही बनाई जाती है। लेकिन फैक्ट्री में ऐसा कैसे होता है और इसे बनाने में कितना समय लगता है, आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं फैक्ट्री इनसाइडर यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। बियर बनाने के लिए सबसे पहले बारले या फिर गेहूँ को पानी में डुबो कर रखा जाता है, जिससे कि वो फूलने लगे और उसमें एंजाइम्स का बनना शुरू हो जाए। इसके बाद इन्हें ध्यान से रोस्ट किया जाता है एंड फिर रिजल्टिंग मॉल्ट को फ्यूज में स्टोर करके रख लिया जाता है। इसके बाद ग्राइंडिंग मशीन की मदद से इस अनाज को ग्राइंड भी किया जाता है। इसके बाद गर्म पानी के साथ इसे बड़े बड़े कंटेनर में मिक्स किया जाता है। यहाँ पर इन्हें साथ में मिक्स करने के दौरान इनका टेम्परेचर भी 45 डिग्री सेल्सियस से 78 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तापमान को बढ़ाने की प्रोसेस को धीरे धीरे अंजाम दिया जाता है ताकि हर स्टेट में मॉल्ट में नेचुरल एंजाइम्स रिलीज हो सके जो स्टार्च बनाएंगे और इस पूरे प्रोसेस को मीठा कर देंगे। स्टार्च की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए कभी कभी बियर बनाने के लिए दो अलग अलग तरह के अनाजों को साथ में मिक्स किया जाता है। अब इस मैश को एक लॉटर टैंक में फिल्टर करने के लिए भेजा जाता है जो लिक्विड को बाकी सॉलिड से अलग कर देता है। इस फिल्टर लिक्विड को हम वॉट कहते हैं। इस वॉट में फिर से गर्म पानी डालकर इसे एक बार फिल्टर किया जाता है ताकि इसमें कुछ ऐसा ना बच जाए जो हमें आगे नहीं चाहिए। वॉट के अलावा जो सॉलिड रेसिड्यू हम फिल्टर करते हैं वो भी वेस्ट नहीं जाता है। इसे ज़्यादातर फार्म्स पर भेज दिया जाता है जहाँ ये या तो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है या फिर पशुओं के खाने के काम आ जाता है। अब वॉट की बात की जाए तो अब इसमें होप्स को मिलाने वाले हैं। होप्स एक अच्छे किस्म के सूखे फल होते हैं जिन्हें मसाले के तौर पर बियर में ऐड किया जाता है और इससे बियर कड़वी हो जाती है। होप्स की फसल साल में एक ही बार होती है, इसीलिए इसकी प्लेट्स बनाकर इसे स्टोर कर लिया जाता है ताकि सालों साल बियर बनाई जा सके। लिक्विड वॉट एंड होप्स को मिक्स करने के लिए बियर को एक कैटल में डाला जाता है। बियर के स्वाद के लिए इसमें 55 ग्राम्स से लेकर आधा किलो होप्स तक डाले जाते हैं, जिसके बाद अगले 2 घंटे तक इन्हें मिलाया जाता है और साथ में इसके टेम्परेचर को 80 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाता है। इससे मिक्सिंग और बॉइलिंग के बाद जल्दी से एक वॉरपूल में पंप किया जाता है ताकि होप्स के सॉलिड पार्टिकल और बाकी प्रोटीन केटल के सेंटर में चली जाए जिससे हम लिक्विड को अलग कर सकें। एक प्लेट हीटिंग एक्सचेंजर की मदद से अब इस वॉट को ठंडा किया जाता है और इसे टेम्परेचर पर लाया जाता है जिसमें ईस्ट को ऐड किया जा सके। इस ठंडे वॉट को फर्मेंटेशन वॉट में डाला जाता है और फिर इसमें ईस्ट डाली जाती है। अब तक हमारे पास जो वॉट था वो काफ़ी मीठा था क्योंकि उसमें स्टार्च मौजूद था। ईस्ट डालने से अब ईस्ट इस स्टार्च को खा जाएगा जिससे ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अलग अलग तरह के ईस्ट को अलग अलग तरह के टेम्परेचर चाहिए होता है, इसीलिए लगभग 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर फर्मेंटेशन टैंक्स को रखा जाता है। फर्मेंटेशन में भी कंपनी टॉप एंड बॉटम तरह के फर्मेंटेशन के मेथड का इस्तेमाल करती है। टॉप फर्मेंटेशन का इस्तेमाल डार्क या व्हीट बियर बनाने के लिए किया जाता है जिसमें फर्मेंटेशन के दौरान कार्बनिक एसिड बियर के ऊपरी हिस्से में बहुत सारा झाग बना देती है। इस तरह के बियर को बनाने के लिए ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है जबकि बॉटम फर्मेंटेशन में आपको कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती रहती है।
इसमें ऊपर की तरफ झाग नहीं बनता है। अब इन फर्मेंटेशन टैंक्स को उसी तरह बाद के हफ्तों के लिए रख दिया जाता है, जिसमें ईस्ट शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते रहता है। इसके बाद बाहर आने के बाद हमारे पास यंग बियर रेडी हो जाती है। इसे यंग बियर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अभी काम बाकी है। यंग बियर को उसके बाद सेकेंडरी फर्मेंटेशन प्रोसेस से भी गुजारा जाता है, जहां पर मिक्स में बची रह गई शुगर भी अल्कोहल में बदल जाती है। ये यंग बियर इन टैंक्स में अगले 3 महीने तक रहती है। अब बारी आती है इस बियर को चखने की, लेकिन इससे पहले बियर को एक बार और फिल्टर किया जाता है। उसके बाद इसे एक्सपर्ट्स के द्वारा टेस्ट भी किया जाता है। अगर सब सही निकलता है तो इसको हरी झंडी दिखा दी जाती है। अब बारी आती है बियर को पैक करने की। इसके लिए पुरानी बियर की बॉटल्स को रेस्क्यू किया जाता है। इन बॉटल्स को पहले फैक्ट्रियों में लाया जाता है, फिर इन्हें अच्छे से धोकर स्टेरल बनाया जाता है। ये बोतल धुलने के बाद एक कन्वेयर बेल्ट पर पहुंचती है, जहां से ये तेजी से फिलिंग मशीन तक चली जाती है, जो हर एक मिनट में तकरीबन 1000 से ज्यादा बियर की बोतलों को भर देती है। और फिर ये एक कैपिंग मशीन की तरफ आगे बढ़ती है। कैपिंग मशीन में पहले से ही कैप्स लोड किया रहता है और बॉटल्स के आने पर इन्हें तेजी से बॉटल्स के ऊपर ढक्कन लगाने का काम शुरू हो जाता है, ताकि ऑक्सीजन इनमें ना घुस पाए। आगे बढ़ते हुए ये बॉटल्स पेस्टराइज होने के लिए पहुंचती है, जहां पर तापमान को तेजी से बढ़ाया जाता है और फिर इसे घटाया जाता है। इससे इनकी सेल्फ लाइफ काफी बढ़ जाती है। इसके बाद ये बोतलें लेबलिंग मशीन तक पहुंचती है, जहां पर एक मशीन इन घूमती बोतलों पर लेबल लगा देती है। अब ये बोतलों को बड़े बड़े कार्ड बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है। इस तरह आपकी और हमारी फेवरेट बियर बनकर रेडी हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को जानने का एक फायदा ये है कि आपको पता चल गया है कि बियर ज्यादा कुछ नहीं, बस अनाजों से बना एक जूस है, जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए गए हैं। जिस वजह से अगर आप बियर के शौकीन हैं तो आपको इसके लिए बहाने ढूंढने की अब ज्यादा परेशानी नहीं होगी। वेल दोस्तों, क्या आपको पता था कि बियर बनाने के लिए इतने सारे स्टेप्स को फॉलो किए जाते हैं? अगर नहीं तो हमारी एक रिसर्च के लिए 1 लाख तो बनता है, जस्ट बिकॉज बहुत मेहनत करने के बाद हमने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों आज से अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।